तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं चिकू के बाल उतरवाने। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं चिकू के बाल उतरवाने के लिए माँ शाकुंभरी देवी, जो कि सहारनपुर के पास पड़ती है। और आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे हमारी डेली की रूटीन एक्टिविटी। और अब माता के आशीर्वाद से हमें बड़े लंबे टाइम के बाद हम इस काम को करने जा रहे हैं। और देखिए चिकू ने आज बिल्कुल नई ड्रेस पहनी है, इसके दादाजी ने दिलवाई थी इसको। और ये देखिए आज इसके दादाजी वहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए वहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। अभी कुछ और मेम्बर्स हमारे फैमिली के तैयार हो रहे हैं नीचे आने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ टाइम है तो मैं इतना एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और देखिए मुझे कितना पसीना आ गया, सुबह ही सुबह कितनी गर्मी है। और चिकू गर्मी की वजह से ही इतना परेशान हो रहा था, और इस वजह से हम इसके बाल उतरवाने के लिए जा रहे हैं। तो आज हमारे लड्डू गोपाल भी जा रहे हैं चिकू की इस मुंडन सेरेमनी में, और अनामिका बहुत ज़्यादा लेट कर रही है आने, हम उसका ही वेट कर रहे हैं जाने के लिए। हम सुबह के उठे हुए 3 बजे के, और इस लड़की पर अब तक तैयार नहीं हुआ गया। और वो देखिए वो बैग बुक लेके कैसे आ रही है, ये देखिए। और ये देखिए लेट लती पधार चुके हैं हमारे बीच में। तो बोलते जाएंगे, बोल माँ शाकुंभरी देवी की जय, बोल दीक्षु जय जय अजी। देखिए हमारी बुआ जी आ चुकी है हमारे साथ में, और हमने इन्हें रस्ते में से पिक किया है, सिंपल लैंड रोवर। हमारी बुआ जी हमारे साथ, जो चिल्लाया शाकुंभरी द्वार पर, और इस गेट से एंट्री लेते हुए हम जाएंगे माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर। और ये हम जयकारा लगा रहे हैं, बोल माँ शाकुंभरी देवी की जय। देवी देश के तिरंगे के साथ स्वागत कर रही है हमारी मैया, और हम जा रहे हैं उनके पास। पहुंच चुके हैं पापा लड्डू गोपाल भी तो है, और हमारे लड्डू गोपाल जो आगे पड़े सो रहे हैं। दोस्तों बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल में, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, और अपना बहुत सारा प्यार देते रहना। और ये देखे कुछ लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी, तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। चलो चलो Yeah.
वहीं तक जाएंगे। बोल माँ शाकुंभरी देवी की जय। बोल माँ शाकुंभरी देवी की जय। अच्छा भीड़ इतनी। अच्छा मैंने सुना क्या देना मगर तू रख लो फोन। तुम ले लो फोन। अरे चलो 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 मोटा आगे चलो। तो गाइस यहाँ पर चिकू बन जाओ तो गाइस तक लिया। यहाँ पर हम अखरोट ले रहे हैं। ये देखो गाइस, तो गाइस यहाँ पर ना बहुत सारे मछली के बच्चे तैर रहे हैं। तो यहाँ पर है वो, यहीं पर है, यहीं पर है इसके। यहाँ पर भंडारा चल रहा है और अतुल का मन कर रहा है कि भंडारा खाने का। लेकिन देखते हैं अभी क्या स्थिति बनती है। हमें घर से निकले भी बहुत टाइम हो गया है। अब बस यही कोशिश है कि हम अपने घर चल दें, क्योंकि टाइम हमें बहुत ज़्यादा हो गया है, बादल आने को हैं। अगर बारिश हो गई तो ये नदी उफान पर भी आ सकती है। इसका हम ये भी मानना है कि यहाँ पर जिस बारिश होती है, बारिश होने के बाद में ये नदी तूफान पर आ जाती है। तो उससे पहले पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से निकलने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। कहाँ गए हनुमान जी वाले चीजें कपड़े गंदे कर लगे बच्चे फिर अरे
देखो ये बढ़िया।